तो अभी मेरा बहुत काम फैला हुआ है, पूरी सफाई करनी है। कपड़े धोए थे दो बार, दो राउंड वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए, तो वो सारे फोल्ड करने, हैंगर करने हैं। ये देखिए वो तो सब फैला हुआ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे। तो आज हमारी चाय पानी वगैरह सब कुछ हो गया, कोणार्क एकेडमी चला गया, कोणार्क का ब्रेकफास्ट हो गया। आज है हम लोगों ने अभी आज कुछ नहीं खाया, क्योंकि आज होनी है हमारे घर में वो बौधार बोलते हैं ना, जो गाय का बच्चा होता है उसका 22 डेज के बाद में जो 11 दिन के बाद जो नामकरण होता है वो होना है। ये तीन दिन हो गया जो प्रक्रिया करण होने के लिए, और मैं बनाऊंगी खीर, जिसके लिए मैं लेके आई हूँ मोटे वाले चावल। मैं लेने गई थी एक्चुअली कि स्मॉल मिलेट कुछ मिल जाए, तो क्योंकि आज हमारे घर में गेस्ट भी आ रहे हैं, हमारे लखनऊ से चाचा चाची पहुंच रहे हैं अभी 10 बजे। प्रणाम। हाँ यार, बोलना है? नहीं, मैं तो चुप रहूंगी, बोलोगे आप लोग इसलिए मैं हाँ दीदी, अभी सब इंतजार करके अभी पड़े हैं सर। चलो कोई बात नहीं, नहीं उठाओ। चाचा प्रणाम। ये मेरे चाचा हैं, पूजनी चाचा है, और ये मेरी चाची है। आइए ना। कैसे आप? गिर गई थी, लग गई थी। जल्दी जाए, तो दिन कहाँ पर रहना? कली तो आए हैं। वो जी देखा मिलने बेबा, फिर उल्टो का जाम करूँ ना। कली ना उनको भी हो। हाँ हाँ, दानी ने भी बोला कि ऐसा ठीक किया। ठीक है, आज वहाँ जाना पड़ता है। इधर आओ, इधर चलो। ये है, हम भी यूट्यूब फेसबुक में आ जाएंगे। कोना चाचा को गले नहीं लगा, वो आशीर्वाद देते। समझाना पड़ेगा। और पांव कैसे छूने को बोला है? नहीं, क्रॉस, दोनों चरणों से ऐसे। हाँ, चलो ऐसे चरण लो, बाबू आशीर्वाद मिलेगा। बस चाचा का आशीर्वाद मिल गया है। नीचे भी होता देख ले, लर्न समथिंग। हाँ चल, यही है हीरो हीरोइन सब। नदुल जी है ये, धूम भी है ये, इसके चौ दरा
अब चाची आप गाओ। हाँ चाची अब आपकी बारी। पाटना काटना तो ये यहाँ पे चाची यानी कि देवरानी जेठानी की गप्पे हो रही हैं। अपना सुख दुख चल रहा है, चाची थोड़ी सी उदास हो गई है और ये देवर भाभी की हंसी मजाक चल रही है। और जब तक ये बिजी हैं, इनको मैंने चाय पिला दी। अब मैं बनाती हूँ रात का खाना, लौकी की सब्जी, मट्ठे वाली, दही, खीर, खीर भी बन गई है और रोटी। और इन लोगों के लिए ये खाना है और हमने खाना है पिज़्ज़ा और बर्गर और माउंटेन जी कुछ मतलब सॉफ्ट ड्रिंक। तो वो हेमंत की तरफ से ट्रीट है। बाद में फिर जब ये खाना खा लेंगे तब हेमंत और कोनाक दोनों लेने चले जाएंगे और हम फिर थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। जाना आपको कौन सा चीज ब्रश लग रहा है चाची, एक ट्राई करो, टेस्ट करो। एक चाचा है, आपको बता रही हूँ, ये हमारे चाचा हैं।
ये चाचा कम, आईके गुजराल और मोदी जी ज्यादा लगते हैं दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके। बस चाचा का थोड़ा ये प्लस पॉइंट है, इनके सामने कुछ भी बोल दो इनको पता नहीं लगता है ज्यादा। तो ये लेबर दाढ़ी की बातें चल रही हैं। चाचा एक्चुअली कुछ तीन साढ़े तीन साल के बाद आ रहे हैं। क्या बोला चाचा? मैंने? जब पापा थे हमारे तो पापा को देखने आए थे, उसके बाद फिर कोविड स्टार्ट हो गया तो नहीं आ पाए थे। तो जब इनकी बात चल रही है मैं बनाती हूँ रात के खाने की तैयारी। चाचा मोस्टली लौकी खाते हैं तो मैं लौकी की सब्जी बनाऊंगी। सिस्टर इन लॉ मैंने बना रखी है लौकी की सब्जी, तो उनके रोटी करेंगे, दही डाल के बनाऊंगी और हम खाएंगे पिज्जा। तो कुनाक और हेमंत जा करके पिज्जा लेकर के आके हैं। चाचा ने देखा अपने बचपन का, चाचा हमने मेरी तो पिज्जा एंड बर्गर लेने के लिए हेमंत और फिर अगर कुछ और भूख लगी होगी तो ये हमारा पिज्जा आ चुका है। कॉलेज देख के फोटो जरूर खिंचाना, फिर मेरे को भेजना क्योंकि मैं इसमें डालूंगी फिर ब्लॉग में। मंदिर है वहाँ पर। अच्छा, सरस्वती जी का मंदिर है। उनके लिए दो रोटी भी बनाई हुई है क्योंकि हेमंत को घी के साथ गाय के घी के साथ रोटी खाना पसंद है। आपने 12th वहाँ से पास किया है? एकदम बिल्कुल सोने की जैसे गोल्डन कलर का येलो गोल्डन। अच्छा, 12 नहीं पास किया, 12 बाद में किया। फिर मैंने उधर से किया, मैंने बीए किया। अच्छा, राजस्थान से, कॉलेज जालंधर से। अच्छा, वहाँ से पढ़ाई की फिर बाद में। अच्छा अच्छा, फिर आप कहाँ जॉब करते थे? आप जॉब में बीएसएफ में जॉब करते हुए मैंने पढ़ाई की। हमारा एग्जाम उन दिनों काफी स्ट्रिक्ट होता था एग्जाम। नकल वकल नहीं करते थे? मैंने काफी नहीं, पढ़ाई भी थोड़ा सा टफ थी। हमारे लोगों ने, मेरे साथ वालों ने उन्होंने क्रॉफर्ड गन कोर्स से भी किया, क्वालिफाई किया। लोग भी करते थे साथ में, एग्जाम देने जाते थे एमपी में काफ़ी लोगों ने। फिर तो हमने भी सोचा मैं कर लेते हैं इधर से। एक दो लोगों ने हमने जालंधर से फॉर्म भरा। चल तू कुछ बोलेगा? जैसे तो ये है हमारे हेमंत भाई। हेमंत भाई का मतलब ये है मेरे, मैं इसकी भाभी लगती हूँ, ठीक है? हाँ, तो हेमंत कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं बेरीनाग, उसके बाद जाएंगे थल डीडीआर अपने मौसा के वहाँ। और ये सफर होने वाला है बहुत ही शानदार, क्योंकि हम रुके हैं यहाँ पे अपनी भाभी के घर। आए हम लखनऊ से। और इससे पहले आप हमारी भाभी के चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। क्योंकि ये चैनल आपको बहुत आगे बेनिफिट देने वाले हैं। और देखिए इतनी सारी जानकारी देती है हमारी भाभी आपके लिए, कहाँ कहाँ से क्या क्या लेके आती हैं, क्या क्या करती हैं, सिर्फ आपके लिए दोस्तों। और इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और थोड़े चंबल थोड़ा बाकी पैसे भगवती के लिए चढ़ा देना भेंट। तो ये मेरे चाचा चाची और हेमंत हैं, ये अभी जा रहे हैं बेरीनाग। बेरीनाग में आज स्टे करेंगे, वहाँ पे रेखा दीदी रहती है। चीकू तोड़े कि नहीं तोड़े? कहाँ है, कितने तोड़े? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लंबी आयु हो, साथ में कारोबार अच्छा, धन दौलत हो, तो सब अच्छा ही होगा। तुम चलो बाय, आराम से जाना। हाँ हेमंत, भल करके जया हो। बाय बाय, मिलते हैं। बाय। ओके,
चाचा चाची लोग चले गए, नाश्ता कर लिया, दवाई खा ली, अब चले गए। अब मैं बनाती हूँ दादी के लिए नाश्ता।